नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। महंगाई भत्ता एरियर पर अभी भी उम्मीद बाकी, 18 महीनों के एरियर पर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि महंगाई भत्ते एरियर भुगतान को लेकर क्या है लेटेस्ट खबर। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 महीनों के डीए एरियर पर उम्मीद अभी बाकी है, सरकार से चल रही है बातचीत, निकलेगा हल। देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा तो मिल चुका है। 1 जुलाई से 17% की जगह अब 28% डीए और डीआर मिलेगा। लेकिन एक बात केंद्रीय कर्मचारियों को अब भी खटक रही है, सरकार ने बीते 1.5 साल का एरियर देने को लेकर साफ मना कर दिया है, लेकिन अभी भी आस खत्म नहीं हुई है। सरकार से इस बारे में अब भी बातचीत चल रही है। 1.5 साल तक फ्रीज रहने के बाद डीए एरियर को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि एरियर देने का कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि जून 2021 तक डीए को फ्रीज रखा गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार को बधाई दी, लेकिन एरियर पर बात नहीं होने से थोड़ा खफा भी नजर आए। मिश्रा का कहना है कि 1.5 साल का एरियर अभी नहीं दिया गया है और इसको लेकर सरकार से बातचीत हो रही है। सीमित संसाधन और केंद्रीय कर्मचारी की डिमांड को देखते हुए उम्मीद की है कि सरकार भी निश्चित तौर पर एक नेगोशिएट सेटलमेंट करेगी, ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि सरकार की भी मदद हो सके और कर्मचारियों की भी मदद हो सके। सरकार ने अभी आज अपनी कैबिनेट में इस बात का फैसला किया है। इस समय महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, ऐसे मौके पर भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है। 3 सरकार के कर्मचारी निश्चित तौर पर उसकी सराहना करेंगे। अभी हमारा एरियर जो है वो 1.5 साल का नहीं दिया गया है। हम उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और सरकार की सीमित संसाधनों को देखते हुए हमें आशा है कि, और कर्मचारियों की माली हालत देखते हुए हमें आशा है कि सरकार निश्चित तौर पर एक निगोशिएटेड सेटलमेंट करेगी, हम लोगों के साथ समझौता करेगी और हम इस पैसे जो एरियर का पैसा है उसके लिए भी आशा करेंगे कि हम सरकार की भी मदद कर सकें और कर्मचारियों की भी मदद हो सके, ऐसी मुझे आशा है। वहीं आपको बता दें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताजा आंकड़े से ये साफ हो गया है कि जून 2021 में 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, मतलब 28% डीए के बाद अब 3% का भी इजाफा होगा महंगाई भत्ते में। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए और डीआर बढ़कर 31% पहुंच जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री के जून 2021 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े को देखते हुए इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये 121.7 तक पहुंच गया है। अब जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 3% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से जल्दी इसको लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो ये थी महंगाई भत्ते को लेकर एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो हमेशा लाते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।